action you are talking about, you know, you have to go and do those stunts and you have to go and do those action, and you have to, and action is always basically supported with some kind of a story which is emotionally bond. That's the strength. हम लोग भाई गुरु की बात करते हैं, इट्स नॉट एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स ए इमोशनल स्ट्रेंथ व्हिच मेक्स अ कैरेक्टर स्ट्रांग. देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, हमें ऑस्कर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ ही खुश हैं. ये लोग जो ऑस्कर वास्कर करते रहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता उनकी अकल में क्या है. पहले यहाँ पर तो हिंदुस्तान के ऑडियंस को खुश करो, यहाँ हम लोग यहाँ के हैं और हमारी ऑडियंस इतनी है, इट्स इन ओवर 130 करोड़. वो इतने सारे आपको चाहते हैं, क्या वो खुश? वो बहुत नहीं है. एंड इवेंचुअली एंड ऑफ द डे दीज अवार्ड्स आर बेसिकली नॉट द अवार्ड्स बट द पब्लिक गिव्स यू देयर लव एंड अफेक्शन इज द एक्चुअल अवार्ड. इवन व्हेन आई गॉट माय नेशनल अवार्ड आई वाज टू सरप्राइज्ड हाउ द हेल डिड आई गेट इट. लगता हम अपने बारे में लिखवाते भी हैं फिर पढ़ते हैं खोते, देखो हमने ये आर्टिकल आया हमारा तो तो हमारी दुनिया सी हो गई है. जो कि इस फिल्म में था, मैं सनी जी को धक्के मार के घर से निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन ये बहुत ही अजीब किस्म के स्ट्रेंजर थे जो कैसे निकले कब निकले वो आपको फिल्म देख के पता चला. सनी हाउ मेनी बाल्टीज यू ड्रंक ऑन? बाल्टीज When you see the film, you realize it. ढेर सारी बाल्टियाँ पी. कुछ भी नहीं, लेकिन सुनने में आता था कि बहुत अच्छा अच्छा खाना आता है. ना मुझे एक बार भी पूछा गया है, ना ही कभी खिलाया गया है. That's because I was calling fat food, and I didn't want her to put on weight for the film. Because these are all fortune fools, and how a coincidence plays a major role for this forever kind of love story. So it's got nothing to do with Hangover. See, love is always magic, right? So when and how, what it happens, nobody knows. That's the beauty of it, and that's what this film is all about.